नमस्कार, मैं इशिता तोमर और मेरे साथ मौजूद है शिवानी। आज का हमारा टॉक शो है वो है साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड। साइबर स्टॉकिंग जो हमने कभी ना कभी तो फेस की ही होगी। आइए जानते हैं शिवानी का इस बारे में क्या कहना है और जो साइबर स्टॉकिंग है उसे कैसे कम करें। हेलो शिवानी। Hello. तो फिर ये साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? साइबर स्टॉकिंग जो भी होता है वो डिजिटल फॉर्म में की जाती है। मतलब कोई भी बंदा आपको या फिर कोई इंसान आपको स्टॉक करता है, लेकिन डिजिटली, लाइक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसे कहा जाता है साइबर स्टॉकिंग। ओके, तो जैसे आपने मुझे अपनी डेफिनेशन बताई कि साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, तो साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग में क्या फर्क है? देखिए, इन दोनों में एक बहुत माइनर सा फर्क होता है। जैसे कि साइबर स्टॉकिंग में जो होता है, स्टॉकर स्टॉक करता है, लेकिन साइबर बुलिंग में वो चीज़ें एकदम अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर आदमी या औरत जो भी है, वो आपको ब्लैकमेल भी करता है, वो आपकी पिक्चर्स का मिसयूज़ भी करता है। तो उसमें क्या होता है कि हम एक तरीके से, वो हमें बुली करता है, वो हमें प्रोवोक करता है कि हम उसकी कुछ, मतलब वो हमसे चाहता है कुछ एडवांटेज लेना हमारा। ओके, तो जैसे इसके कोई रूल्स है या कोई लॉ बनाया है? हम इंडियन गवर्नमेंट में है ऐसे लॉज, और ऐसा मतलब मेरे अकॉर्डिंग भी है, और गवर्नमेंट, काफ़ी सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स भी हैं जिसमें हम अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर बुलिंग से रिलेटेड हमारी कोई भी पिक्चर का मिसयूज होता है, तो उस पर हम कर सकते हैं। ओके, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने सब बताया, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करें कि जैसे कि मैं कभी ये साइबर बुलिंग आगे इन फ्यूचर कभी फेस ना करूं, तो कोई इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिकॉशंस वगैरह? हाँ, मतलब कर सकते हैं हम, प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, हम किसी को अपनी प्रोफाइल देखने से मना नहीं कर सकते, बट हाँ, हम अपनी चीज़ों को, जैसे कि पासवर्ड हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली, जो लाइक आजकल लोग फ्रेंड्स के साथ करते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स, गर्ल्स मिलने के हाँ, चक्कर में लोग अपने पासवर्ड को शेयर कर लेते हैं। आजकल किसी का भरोसा नहीं है कि जिस इंसान पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी फोटोज को कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा है। वही, और अपना जो एक होता है ना, हर एक एप्लीकेशन में एक टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, आप उसको बहुत अच्छे से ऑन करके रखिए और सारी सेटिंग्स को एडवांस पर करके रखिए, तो आपको बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट्स में रहेंगे और आपकी प्राइवेसी आपकी ही प्राइवेसी रहेगी। ओके, बहुत अच्छा लगा शिवानी आपसे बात करके। शिवानी ने हमें बताया कि साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सके। तो ध्यान रखिए अपना, और सोशल मीडिया भी आप ध्यान से यूज करें। धन्यवाद।